अलगम डियर स्टूडेंट्स आई एम मदय यासी योर मैथ्स इंस्ट्रक्टर फॉर ग्रेड टेंथ वी आर डूइंग चैप्टर नंबर थर्टीन प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने चैप्टर में यूज़ किए हैं उनको रिकॉल करेंगे तो आइए चलते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज के सोल्यूशन की तरफ तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम मिसीलिनियस एक्सरसाइज थर्टीन स्टार्ट करेंगे और इस पूरे चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट्स यूज किए हैं उनको रिकॉल करेंगे तो सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन की तरफ दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थ्री पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन टिक द करेक्ट आंसर सो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट इज द सर्कम्फेरेंस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड ऑप्शन ए इज कॉर्ड ऑप्शन बी इज सेगमेंट एंड ऑप्शन सी इज़ बाउंड्री तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सर्कल के सर्कम बाउंड्री को कहते हैं सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी बाउंड्री नेक्स्ट नेक्स्ट इज लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट सी और कॉर्ड तो स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे उसको सीकेंड कहते हैं करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सी केंड नेक्स्ट इज द पोर्शन ऑफ अ सर्कल बिटवीन टू रेडिया ऑप्शन ए इज सेक्टर ऑप्शन बी इज सेगमेंट ऑप्शन सी इज कॉल्ड तो स्टूडेंट्स किसी भी सर्कल का कोई ऐसा पोर्शन जो दो रेडियाय और एक आर्क के दरमियान हो उसको सेक्टर कहा जाता है सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सेक्टर नेक्स्ट इज एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं कि किसी भी सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल 90 डिग्री का होता है तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ फाई बाय टू ऑप्शन बी इज़ फाइव बाय थ्री एंड ऑप्शन सी इज़ फाइव बाय फोर सो so, हम डिस्कस कर चुके हैं कि सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री एंगल बनता है सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पाई बाय टू नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ हाउ मेनी टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑप्शन ए इज वन ऑप्शन बी इज टू एंड ऑप्शन सी इज थ्री तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चंस में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी टू। नेक्स्ट इज द टेंजेंट एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आर ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी नॉट परपेंडिकुलर एंड ऑप्शन सी परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स अगर हम किसी भी एक सर्कल का टेंजन ड्रॉ करें तो वो उस सर्कल के रेडियस के साथ हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है दैट इज टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियल सेगमेंट सो करेक्ट ऑप्शन इज परपेंडिकुलर दैट इज ऑप्शन सी नेक्स्ट इज सर्कल्स हैविंग थ्री पॉइंट्स इन कॉमन ऑप्शन ए ओवरलैपिंग ऑप्शन बी कलिनियर एंड ऑप्शन सी नॉट कंसाइड ऑप्शन सी नॉट को इनसाइड तो स्टूडेंट्स कोई भी सर्कल जिनके तीन कॉमन पॉइंट्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए ओवरलैपिंग नेक्स्ट इज इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर देर सेंटर्स एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर कोइंसिडेंट नॉन कुलनियर या कुलियर तो स्टूडेंट्स अगर दो सर्कल्स आपस में टच करें तो उनके सेंटर्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा कुलीनियर होते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी कुलियर नेक्स्ट इज

so correct option is option a that is pi by three next is if the in center and circumcenter of a triangle go inside the triangle is an isosceles a right triangle and equilateral तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ऐसा पॉइंट होता है जिस पे इस ट्राइंगल के एंगल बाइसेटर्स कंकरेंट हों और सर्कम सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ट्राइंगल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कंकरेंट हों तो स्टूडेंट्स ऐसी कौन सी ट्राइंगल है जिसमें इन सेंटर और सर्कम सेंटर अगर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करें तो स्ट्रेंड्स अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होंगी तभी ये पॉसिबिलिटी है कि ट्राइंगल के इन सेंटर और सर्कम सेंटर एक ही पॉइंट पे कोइंस करें। तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी दैट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है नेक्स्ट इज द मयर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ आर रेगुलर ऑक्टागॉन इज ऑप्शन ए पाए बाय फोर ऑप्शन बी पाए बाय सिक्स ऑप्शन सी पाए बाय एट तो स्टूडेंट्स ऑक्टागॉन की एट साइड्स होती हैं यानी कि एट नंबर ऑफ एजेस होते हैं एंड वी नो दैट किसी भी क्लोज फिगर के अंदर बनने वाला एंगल थ्री सिक्सटी डिग्री के इक्वल होता है तो इसका मतलब है कि ऑक्टागोन की हर साइड यानी कि ईच एक्सटीरियर एंगल 45 डिग्री के इक्वल होगा सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी परपेंडिकुलर ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाएं तो वो हमेशा पैरेलल होंगे क्योंकि ना तो वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे ना ही आपस में परपेंडिकुलर होंगे सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए दैट इज पैरेलल नेक्स्ट इज क्ल ऑप्शन बी एक तो स्टूडेंट्स किसी भी पेयर ऑफ सर्कल्स में ट्रांसवर्स टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा इक्वल होती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो सर्कल्स के दरमियान अगर ट्रांसवर्स टेंजेंट्स ड्रॉ किए जाए तो उनकी लेंथ इक्वल होगी यानी उनके दरम्यान का डिस्टेंस इक्वल होगा सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज इक्वल नेक्स्ट इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल पॉइंट ऑप्शन ए इज वन ऑप्शन बी इज टू एंड ऑप्शन सी इज थ्री तो स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट जो कि सर्कल के आउटसाइड पे होगा उससे हमेशा सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस सर्कल से थोड़े से डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया गया है और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है कि दो टेंजेंट्स ड्रा किए जा सकें अगर हम थर्ड टेंजेंट ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो टेंजेंट नहीं होगा बल्कि सीकेंड होगा जो कि सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा So, the correct option is option B that is 2. Next is if the distance between the centers of two circles is equal to the sum of their radii, then the circles will option A intersect, option B do not intersect, option C touch each other externally. तो स्टूडेंट्स अगर हम दो ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करें जिनके सेंटर्स का डिस्टेंस उनके रेडियाई के सम के इक्वल होगा तो वो एक ही केस में पॉसिबल है कि हम उन रेडियस को एक्सटर्नली टच करवाएं कि वो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हों जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सर्कल ए और बी के सेंटर्स का डिस्टेंस इन दोनों सर्कल्स के रेडियाई के साम के इक्वल है और ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज टच ईच अदर एक्सटर्नली नेक्स्ट इज इफ द टू सर्कल्स टच इज एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द तो स्टूडेंट्स इससे पिछला जो एम हमने डिस्कस किया है ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है ऑप्शन ए है हमारे पास डिफरेंस ऑफ द रेडियाई ऑप्शन बी है सम ऑफ द रेडियाई एंड ऑप्शन सी है प्रोडक्ट ऑफ देयर रेडियाई सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी दैट इज देयर रेडियाई क्योंकि हम ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सर्कल्स एक्सटर्नली टच करेंगे तो उनके सेंटर्स का डिस्टेंस उनके रेडियाई के सम के इक्वल होगा तो इस तरह से हमने बी ऑप्शन को करेक्ट ऑप्शन मार्क कर दिया नेक्स्ट इज हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू टचिंग सर्कल्स ऑप्शन ए इज टू ऑप्शन बी इज थ्री एंड ऑप्शन सी इज फोर तो स्टूडेंट्स टू टचिंग सर्कल से हम कितने कॉमन टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं थ्री कॉमन टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं जो कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स होंगे सो नेक्स्ट इज हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फॉर टू डिस सर्कल्स ऑप्शन ए इज टू ऑप्शन बी इज थ्री एंड ऑप्शन सी इज़ फोर तो स्टूडेंट्स डिस जॉइ सर्कल्स यानी कि ऐसे सर्कल्स जो डिस्टेंस पे मौजूद हों उनसे हम फोर कॉमन टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो सर्कल्स एक डिस्टेंस पे मौजूद हैं तो इसे हम दो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं और दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी दैट इज़ फोर तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने रिव्यू एक्सरसाइज थर्टीन सॉल्व कर ली है और जितने भी कॉन्सेप्ट हम चैप्टर में यूज़ कर चुके हैं उनको रिकॉल भी किया है आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए टेक केयर अल्लाह